आर एट द लास्ट चैप्टर वेल आपको लग रहा होगा कि मैम इसे लास्ट चैप्टर क्यों कह रही हैं? रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स अभी तो हमने काफी चैप्टर्स हैं जो नहीं किए चाहे वो पहली बुक के हों चाहे वो दूसरी बुक के हों कुछ चैप्टर्स आई नो रहते हैं उनको मैं कराऊंगी बिल्कुल कराऊंगी किसी को नहीं छोड़ेंगे डोंट वरी हम सारी चीजें करेंगे लेकिन ये वाली जो सीरीज थी जिसमें हम एक चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स उस सीरीज में ये लास्ट है ठीक है यहां आते हैं दिस इज द लास्ट चैप्टर ठीक है आपके कोर्स में भी देखा जाए तो भी ये लास्ट चैप्टर है और अभी हमारी वीडियो के लिए भी दिस इज द लास्ट चैप्टर आप जानते हो ये वाला जो चैप्टर है दिस इज ऑल अबाउट रीसेंट डेवलपमेंट्स ठीक है जो कि 1990 के इलेक्शंस के बाद हमारी कंट्री में हुई ऐसी पांच मेजर डेवलपमेंट्स थी पहली सबसे बड़ी डेवलपमेंट उस टाइम की जिसने कह सकते हैं इंडिया की इंडियन पॉलिटिक्स को कंप्लीटली चेंज किया इज द डिफीट ऑफ कांग्रेस ठीक है सेकंड मंडल इशू या मंडल कमीशन क्या है ये चीजें हम इनको डिटेल में आगे समझेंगे लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि कौन सी मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी पांच मेजर डेवलपमेंट्स क्योंकि ये आपको वन मार्क में भी पूछा जा सकता है कि कितनी मेजर डेवलपमेंट्स थी ठीक है तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि पांच मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड भी थी ठीक है अयोध्या का इशू हुआ बाबरी मस्जिद का इशू हुआ एंड ऑफ़ राजीव गांधी मार जो राजीव गांधी को मार दिया गया था ठीक है वो असासिनेशन कहलाता है, ये आपका लास्ट डेवलपमेंट लो या कह सकते हो लास्ट तो नहीं बट हाँ मेजर डेवलपमेंट्स मेजर ये ही थे इनके विदिन बहुत सारी चीजें हुई ये हम पूरा डिटेल में करेक्टली समझेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से मेजर क्वेश्चन जो आपका बनता है इज अबाउट दिन जो गवर्नमेंट्स बिगिन हुई क्वेलिजन गवर्नमेंट लेवल पे कांग्रेस के डिफीट के बाद से काफी uh, कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग कभी नहीं बन पाई जो अपने आप से इलेक्शंस को जीत करके एक मेजर विक्ट्री ले सके मेजोरिटी वोट ले सके और फाइनली अपनी गवर्नमेंट बना सके एंड एज ए रिजल्ट Begin हुई। तो का। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन सब चीजों को भूल जाएं वहां तक हम पहुंचे इन रीजन की वजह से ठीक है जो ये डेवलपमेंट हुए तो उस तक स्टेप बाय स्टेप आएंगे और सबसे पहला यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम सबसे बड़ी मेजर डेवलपमेंट जो इस टाइम पे हुई ये कब हुई ये भी आपको याद रखना है कौन से इलेक्शंस थे डेट 1989 ईयर ठीक है वो कांग्रेस पार्टी जो आज तक मेजोरिटी सीट्स जीतती आई है ठीक है आज वो कम से कम अराउंड 197 सीट्स पर सिमट गई बहुत मेजर बड़ी चीज है ये कांग्रेस इम्प्रूव इफॉर्मेंस इन केम बैक टू पावर था नाइनटीन एटी नाइन से नाइनटीन नाइनटी वन के बीच का जो ये पूरा टाइम था उसी में बहुत सारी मेजर डेवलपमेंट हो गई थी एंड इन्हीं सब ड्यूरेशन में कोलिजन स्टार्ट हुआ एंड कांग्रेस सिस्टम फाइनली खत्म हुआ ठीक है टू बी श्योर द कांग्रेस मेड एन इंपॉर्टेंट पार्टी एंड रूल द कंट्री पर ये भी एक बहुत मेजर फैक्ट है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है ठीक है और मेजर पार्टी रही है चाहे वो एक इलेक्शन हार गई हो आपको याद होगा जब जब इंदिरा गांधी थी वो हारी थी इमरजेंसी लगने के बाद लेकिन फाइनली गवर्नमेंट किसकी बनी चाहे जनता गवर्नमेंट आई बहुत सारी गवर्नमेंट आई लेकिन कोई उतने पावर पर रिटेन नहीं कर पाया अपनी पावर पोजीशन को है ना एंड फाइनली पीपल वोटेड फॉर कांग्रेस अगेन तो हमेशा से कहीं ना कहीं कांग्रेस हैज़ ऑलवेज़ बीन अ मेजर पार्टी इन इंडियन पॉलिटिक्स ठीक है बट इट लॉस द काइंड ऑफ सर्टेलिटी सेंट्रलिटी इट एंजॉयड ऑब्वियसली वो 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 रुतमा कह सकते हो वो कांग्रेस को नहीं मिला ठीक है इसके बाद हम करते हैं मंडल इशू डेवलपमेंट पहला डेवलपमेंट आपको याद समझ में आ गया इट वाज़ द डिफीट ऑफ द कांग्रेस क्लियर ये होता है आपका मंडल इशू या मंडल कमीशन ठीक है ये क्या था एग्जैक्टली दिस फॉलोड द डिसीजन एक डिसीजन लिया गया न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में जो 1990 में आई कांग्रेस की डिफीट के बाद की जो मंडल कमीशन आई थी उनके रिकमेंडेशन जो उन्होंने दिए उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अब वो क्या था वो मंडल कमीशन कब आया ये सब क्या था किस बारे में था ये आपको पूरे ढंग से पता होना चाहिए ठीक है कि हम जो है रिजर्व कैटेगरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन में जॉब्स देंगे ऑब्वियसली, दिस लेड टू वॉयेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट और मंडल कमीशन के अगेंस्ट मंडल गवर्नमेंट मंडल पॉलिसीज के अगेंस्ट रिकमेंडेशंस के अगेंस्ट लोग सड़कों पर उतर गए कि हम ये नहीं होने देंगे This dispute between the supporters and the opponents of OBC reservation was known as Mandal issue. कुछ support अब ये protest किसके बीच हुआ? कुछ supporters थे, कुछ non supporters थे. तो इनके बीच ये एक clash हो गया. और इसी को क्या कहा गया? Mandal issue. And was to play an important role in shaping politics in 1989. अब यहाँ से जब आपको बोला है ना कि it played a major role in shaping the politics. क्यों? क्योंकि अब जो पार्टीज आएंगी जो पॉलिटिक्स टर्न लेगी इंडिया में वो कौन से ग्राउंड बनाएगी ये अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से अब ओबीसी शेड्यूल कास्ट या माइनॉरिटीज के नाम पे पार्टीज अब अपना खेल खेलेंगी आगे ठीक है तो इसलिए इसको टर्निंग पॉइंट भी आप कह सकते हो ये जो मंडल इशू हुआ ठीक है इसलिए यहां तक करें आज ठीक है ना कोई नहीं चलो ये भी ले लेते हैं एक तो उसके बाद आया था थर्ड मेजर डेवलपमेंट इसमें आपके कुछ मेजर पॉइंट्स जो हैं वो आपके uh, कुछ एड ऑन टॉपिक्स भी हैं ठीक टॉपिक है? वो भी हम डिस्कस करेंगे डोंट वरी एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड ठीक है इकोनॉमिक पॉलिसीज जो इससे पहले की गवर्नमेंट्स फॉलो करती आई हैं द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाई वेरियस गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज ने भी बहुत ही मेजर डिफरेंट टर्न लिया और इसी को हम क्या कहते हैं इनिशिएशन ऑफ द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसी से क्या आया इसी से क्या बिगिन हुआ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एरा ड्यूरेशन पीरियड सब स्टार्ट हुआ स्टार्टेड बाय राजीव गांधी जेस फर्स्ट बिकेम वेरी विजिबल इन नाइन्टीन नाइन्टी वन ये जो बदलाव थे ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के गवर्नमेंट के बाद वाली जो गवर्नमेंट आई उन्होंने इसको इनिशिएट किया नहीं ये राजीव गांधी ने पहले ही शुरू कर दिया था ठीक है पर ये बदलाव जो आने लगे ये बदलाव जो विजिबल होने, होने लगे वो कहाँ होने लगे वो नाइनटीन नाइन्टी वन के बाद से होने लगे उसमे का बदलाव काफी रेडिकली डायरेक्शन बदल गई जो हम ए को फॉलो करते आए थे अब हम ए से थोड़े डायवर्ट हो गए ठीक है

लेकिन ये होने शुरू हुई कब से 1991 के बाद से विजिबल तो ये भी आपको पता होना चाहिए मेजर इम्पोर्टेंट ईयर है वन मार्क मेजर वन मार्क क्वेश्चन ये पॉलिसीज ऐसा नहीं कि है कि बहुत ही वाइडली अप्रिशिएटेड पॉलिसीज रही हैं ये हमेशा वाइडली क्रिटिसाइज पॉलिसीज रही हैं लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट के बाद जो भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने इन पॉलिसीज को कंटिन्यू किया है क्लियर इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट टाइम में बिगिन करेंगे अभी आपको यहाँ तक समझ लो उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को ठीक है आफ्टर दिस चैप्टर आई एम बैक विथ ऑल पैसेज क्वेश्चन एंड पैरा क्वेश्चन हर चीज़ मैं आपको कराऊंगी इन अ ऑर्डर ठीक है सैम्पल पेपर्स मॉक पेपर्स प्रैक्टिस सेशंस हर चीज़ हम करेंगे इन अ अस्टमाइज वे सो टिल देन एवरी वन स्टेट यूनिट Do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.